नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफेंसिव ड्राइविंग की, जो कि बहुत ही एक ज़रूरी विषय है हमारा। और आप ये देख पा रहे हैं, ये एक हमारी सड़क है जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ बहुत ही तेज़ रफ्तार में चलती हैं। तेज़ रफ्तार जो कि आजकल हमारी सड़कों की हो गई है, तो ऐसी तेज़ रफ्तार में आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, हम उसके बारे में आज आपके साथ चर्चा करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप इसको ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, क्या है कि आप ये देख पा रहे हैं, एक रिएक्शन डिस्टेंस और एक ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में हमने बताया है। आप देख पा रहे हैं, लोग कहते हैं कि साहब मैंने ब्रेक मारी और उसके बावजूद भी जो है मेरी गाड़ी जो है अगली गाड़ी से टकरा गई। तो साहब, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि लोग सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि मैंने ब्रेक यहाँ से लगाई, अरे वहाँ पर जाके भी मेरी गाड़ी लग गई। नहीं दोस्तों, उससे पहले जो है हम रिएक्शन डिस्टेंस को भूल जाते हैं। रिएक्शन डिस्टेंस क्या होता है? जब हम अगली गाड़ी को हम देखते हैं, देखने के बाद हमको पता चलता है कि अब ब्रेक लगानी है। तो साहब, जब आपकी गाड़ी, आपने उस गाड़ी को देखा, सोचा, जो आपने सोचा, अभी आपने कोई एक्शन नहीं करा, जो आपने सोचा वो भी एक समय जो है वो निकल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या होता है, सोचने की जो प्रतिक्रिया करी आपने, फिर जो आपने एक्शन लिया उसकी प्रतिक्रिया हुई, उसको जोड़ के ही हमारी जो पूरी आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, कि हम जब हमारी गाड़ी रुकी, यहाँ से हमने सोचना शुरू करा, यहाँ तक हमने सोचा, यहाँ के बाद हमने एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद हमारी गाड़ी यहाँ पर जाके रुकी। तो दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर हमारी गाड़ी जाके रुकी, तो इसको कहते हैं हम रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू स्टॉपिंग डिस्टेंस। हमारे पांच सेंसेस हैं, हमारी आँखें जो देख के पता लगाती हैं, नाक हमारा सूंघ के पता लगाता है, जीभ हमारी चख के स्वाद पता लगाती है, कान हमारे सुन के पता लगाते हैं, और एक होता स्पर्श, जो टच करके फीलिंग जो होती है। तो पांच सेंसेस हमारे पास होती हैं, हम पांचों सेंसेस को यूज़ करते हैं जब भी हम ड्राइविंग करते हैं। तो इस पांच सेंसेस में से इसमें क्या है कि हमने अपनी आँखों से अगली गाड़ी को देखा, जैसे हमने अगली गाड़ी को देखा, देखने के बाद हमने सोचा कि अब मुझे क्या करना है, मैंने सोचने के बाद ब्रेक लगाई और मेरी जो गाड़ी है यहाँ पर, मैंने अपनी उस गाड़ी को देखा था, इतना समय मुझे सोचने में लग गया, इसके बाद अपनी गाड़ी जो है मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद जो है मेरी गाड़ी यहाँ पर जाके रुकी, और जिसको कि हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। आइए हम इसको आगे डिटेल से पता करते हैं कि क्या है ये। हम आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों, एक कैलकुलेशन हमने आपके सामने रखी, अगर आप 30 की स्पीड में अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी जो है लगभग एक सेकंड में कितना ट्रैवल करती है। अगर आप 30 की स्पीड में अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर में हमारे 30,000 मीटर होते हैं दोस्तों, और एक घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट को हमने 3600 सेकंड ले लिया, एक सेकंड का डिस्टेंस जो है हमारा 30,000 डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड, अगर हम इसको इससे भाग दें तो हमारा एक सेकंड का डिस्टेंस जो है 8.33 मीटर आता है, और एक मीटर जो है हमारा इक्वल्स टू 39 इंचेस है, और 39 इंचेस को हम अगर फीट में कन्वर्ट करें तो 3.25 फीट जो है हमारा अप्रॉक्सीमेटली होता है। एक सेकंड का डिस्टेंस अगर हम माने तो 8.3 मीटर जो हमारा वन सेकंड में आया था, और इसको हमने अगर फीट में कन्वर्ट करना है मीटर को, तो हमारा जो है 8.33 मीटर को हमने फीट में कन्वर्ट करने के लिए 3.25 से मल्टीप्लाई करा, तो 27 फीट जो है हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा डिस्टेंस आ गया, यानी कि एक सेकंड में आपकी जो गाड़ी है वो 27 फीट चलती है, जिसमें कि आपको ध्यान देना है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम कैसे अगली गाड़ी से एक उचित दूरी बनाएं। दोस्तों, आप अगर 30 की स्पीड में चल रहे हैं तो हर सेकंड में आप 27 फीट पार करके चलेंगे, यानी कि एक घंटे में आप 30 किलोमीटर तभी चल पाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम एक आपको बताते हैं कि आप सड़क पर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। ये कैलकुलेशन हमने इसलिए आपको बतानी ज़रूरी थी कि आपकी गाड़ी एक स्पीड पर कितना ट्रैवल करती है। दोस्तों, आप इसको 60 की स्पीड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी मर्जी स्पीड में आप इसको कैलकुलेट करके इसी फार्मूले के हिसाब से अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं पर सेकंड का।
अब हम बात करते हैं 2 सेकेंड रूल की। 2 सेकेंड रूल क्या है दोस्तों? अगर आप 130 की स्पीड में अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो क्या होता है, हम कैसे ये 2 सेकेंड का नियम को अपनाएं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आपने अगली गाड़ी से 2 सेकेंड की दूरी बनानी है तो आप इसको कैसे बनाएं, कैसे मेंटेन करें, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब भी आप सड़क पर चल रहे हैं, सड़क के किनारे आपको कोई बोर्ड लगा मिल जाएगा, आपको सड़क के किनारे कोई खंभा मिल जाएगा, सड़क के किनारे कोई आपको पेड़ मिल जाएगा, जब आपके आगे चल रही गाड़ी का पिछला हिस्सा बम्पर जो है उस गाड़ी की स्पीड अगर आपने मापनी है, आपने उससे उचित दूरी बना के चलनी है, 2 सेकंड की दूरी बना के चलनी है, तो आप उसको कैसे फॉलो करेंगे? आप देख पा रहे हैं ये जो है एक बोर्ड लगा है, बोर्ड के आपके सामने आगे चल रही गाड़ी जैसे ही उसका पिछला हिस्सा इसके बिल्कुल सिमिलर में आया, पैरेलल में आया, तो आपने अपनी गाड़ी से यहाँ से गिनना है 1001 1002। दोस्तों रिदमिक काउंट गिनना है, एक दो ऐसे 2 सेकंड नहीं हो जाएंगे, उतने में गिनना है हमने कि जिसमें 2 सेकंड हमारे कंप्लीट हो जाएं। हम गिनेंगे 1001 1002। अगर आपकी 1001 करते हुए ऐसे गिनेंगे 1001 1002, अगर हमने 1002 गिना और हमारी गाड़ी इसको पार कर गई तो इसका मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा है और अगली गाड़ी से आपकी उचित दूरी नहीं है। अगर आपने गिना 1001 1002, आपकी गाड़ी पीछे रह गई, तो इसका मतलब यह है कि आपकी उचित दूरी है और आपने ज़्यादा दूरी बना ली है। अगर आप चाहते हैं इसको तो यहीं पर अभी आप चला सकते हैं। अगर आपने गिना 1001 1002 और आपकी गाड़ी बिल्कुल इसके पैलर में आ गई, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो है अगली गाड़ी से जो दूरी है वो पूरी 2 सेकंड की बन चुकी है। 2 सेकंड की दूरी क्यों दोस्तों? अब जब आप अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं तो हमको जो है प्रतिक्रिया करने में, सोचने में हमको 0.7 सेकंड टू 1 सेकंड लगते हैं, और अगले 1 सेकंड में हम अपनी गाड़ी रोक सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया था कि ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है उसके बारे में। पहले क्या होगा कि हम पहले एक 0 टू 7, अगर एक स्वस्थ आदमी है वो 0 टू 7 सेकंड लेता है सोचने में। अगर आप थके हुए हैं, कहीं आपका ध्यान भटका हुआ है या कुछ है, तो दोस्तों ये बढ़ भी सकता है, तो उसी हिसाब से अपनी दूरी बना के चलें अगली गाड़ी से। अगर आपने यही दूरी को बढ़ाना है, आप थके हुए हैं तो आप अपनी गाड़ी की जो दूरी बढ़ाना चाहते हैं तो इसी में आप ऐड कर सकते हैं 1001 1002 1003, आप उसको 3 सेकंड तक लेके जा सकते हैं, जैसे कि आप अपनी दूरी बना के चलते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, अगर बारिश हो रही है, सड़क का सरफेस गीला है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको 4 सेकंड कर देंगे, और अगर वहाँ पर मौसम की स्थिति आपको ठीक नहीं लग रही है तो भी आप इसको 4 सेकंड कर देंगे। और नाइट में दोस्तों हमको अक्सर दिखाई नहीं देता है, अगर वहाँ पर हमारी गाड़ी की स्पीड धीरे है, तो हम चाहेंगे आपसे कि आप वहाँ पर 3 सेकंड का फार्मूला लेके चलें, और जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सड़क पर आपको कहीं पर भी कुछ लगता है कि यहाँ पर मौसम ख़राब है या गीला सरफेस है, तो ऐसी जगह पे आप हमेशा 4 सेकंड की दूरी बना के चलें, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके आगे वाली गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी, और आपके पीछे चलने वाले लोग भी आप उनको ध्यान से देख पाएंगे। आइए दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस वीडियो को शेयर करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।